हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिकली दो SPF क्रीम्स का कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ, ये एक फेयर एंड लवली की सन प्रोटेक्शन क्रीम है एंड एक पॉन्ड्स की सन प्रोटेक्शन क्रीम है। बेसिकली दोनों न्यू लॉन्च हैं। इसके अलावा क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में SPF क्रीम्स यानी सन प्रोटेक्शन क्रीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों का शॉर्ट रिव्यू इसके साथ ही साथ कंपैरिजन करने वाली हूँ। इसके साथ ही साथ आपको बताने वाली हूँ कि दोनों क्रीम में क्या समानताएँ हैं, क्या डिफरेंस हैं। इसके अलावा आपको कौन सी क्रीम चुननी चाहिए। इन दोनों क्रीम्स का रिव्यू मैंने अपने चैनल में दिया हुआ है। आप चाहो तो मेरे चैनल के आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे इन दोनों SPF क्रीम्स का रिव्यू देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है ग्लो एंड लवली यानी फेयर एंड लवली की SPF क्रीम एंड ये है पॉन्ड्स की SPF क्रीम। तो बेसिकली दोनों ही बहुत ही फेमस ब्रांड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइटनिंग सनस्क्रीन SPF PA++30। इसमें SPF है जो कि आता है विथ वाइटमिन सी एंड लाइट वेट, नॉन स्टिकी, नो वाइट कास्ट। इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, वाइट एंड येलोइश जैसे कि सन का जो साइन होता है, काफ़ी खूबसूरत। तो इसका बात की जाए इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है 109 यानी 109 रुपये है एंड हिंदू सन लीवर वालों का प्रोडक्ट है। 30 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। तो अब बात करें इसकी, तो ये है पॉन्ड्स की सन प्रोटेक्शन क्रीम जो कि इस गोल्डन येलो कलर के पैकेजिंग में आती, काफ़ी खूबसूरत इसकी भी पैकेजिंग है एक्चुअली। इसके अलावा इसमें लिखा है पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट सीरम बूस्ट सनस्क्रीन SPF 35 PA++। इसमें UVA UVB दोनों का प्रोटेक्शन है। इसके साथ ही साथ लाइट वेट क्रीम, नाइसिनमाइड विद वाइटमिन सी, नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली इसका फॉर्मूला है। यानी ये दोनों ही जो SPF प्रोटेक्शन क्रीम्स हैं, इन दोनों में ही वाइटमिन सी का इसमें यूज़ हुआ है। तो इसके अलावा दोनों में ही PA++ प्रोटेक्शन है। यानी PA++ का मतलब होता है UVA का भी प्रोटेक्शन है, UVB का भी प्रोटेक्शन है। तो बहुत सारी सन प्रोटेक्शन क्रीम्स होती हैं, उनमें UVB का तो होता है लेकिन UVA रेस का प्रोटेक्शन नहीं होता। इसके साथ ही साथ दोनों में ही वाइटमिन सी है एंड इस क्रीम की बात की जाए तो इसका प्राइस है ₹69 एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी है 15 ग्राम एंड सेल्फ लाइफ है एज यूजल 2 ईयर्स। हिंदुस्तान लीवर वालों का ये भी प्रोडक्ट है। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। इस ये 30 ग्राम है तो इसका प्राइस 109 रुपये है एंड ये 15 ग्राम है तो इसका प्राइस है 69। अगर अप्रॉक्स बात की जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बैठेंगी। थोड़ा सा ये आपको 10 से 15 रुपये सस्ती पड़ सकती है, पड़ जाएगी। इसके अलावा दोनों ही क्रीम्स बहुत ही फेमस ब्रांड की हैं। फेयर एंड लवली जैसा बड़े ब्रांड की SPF क्रीम है जो कि न्यू लॉन्च है एंड ये पॉन्ड्स की SPF क्रीम है, ये भी न्यू लॉन्च है। इसके साथ ही साथ दोनों में ही 30+ यानी दोनों में ही 30 के अप्रोक्स प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इन जैसे कि आजकल की गर्मियों का वेदर है तो उस हिसाब से दोनों ही क्रीम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा प्राइस भी सेम है, क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट इसकी 15 है तो इसका प्राइस कम है, इसका 30 है तो इसका प्राइस ज़्यादा है। बट ऑलमोस्ट SPF क्रीम्स क्यों ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए? तो दोस्तों, SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर हमारी स्किन के लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब भी हम धूप में जाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियां तो जो सन की हानिकारक रेज है हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हमारी स्किन के अंदर तक जाके हमारी स्किन के सेल्स को डैमेज कर देती हैं, सन टैनिंग हो जाती है, जिसके कारण इसके साथ ही साथ जो UVA हैं वो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक हैं कि हमारी स्किन में कैंसर कारक हैं। जी हाँ, तो इस वजह से आजकल की जो गर्मियाँ या फिर कभी भी आप बाहर सन एक्सपोजर करते हो तो सन प्रोटेक्शन क्रीम्स का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी SPF क्रीम चूज़ कर सकते हो, महंगी भी क्रीम चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई अफोर्डेबल क्रीम चूज़ करना चाहते हो इंटरेस्टेड ब्रांड की, तो आप फेयर एंड लवली यानी ग्लो एंड लवली इसको भी चूज़ कर सकते हो, इसको भी चूज़ कर सकते हो। अब बात करें इसके टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको फेस पे भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आप हाथ पे देख पा रहे हो, ये जैसे कि का इसका जो टेक्सचर काफ़ी थिक है एंड आपकी स्किन में बहुत इजीली सब फैल जाती है, लेकिन फैलने के बाद आपकी स्किन को इंस्टेंट आपकी स्किन में सक करके अब्जॉर्ब भी हो जाती है, आपकी स्किन को नॉन स्टिकी, नॉन
ऑयली बनाती है, यानी कि अगर आप अपनी स्किन में सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई कर लेते हो, तो आपको ये एक SPF क्रीम के साथ साथ आपकी स्किन को इंस्टेंट फेयरनेस भी प्रोवाइड करती है। अलग से अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट वगैरह नहीं है, तो सिर्फ इस क्रीम से भी आपका काम चल जाएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं इस क्रीम के काफ़ी ज़्यादा आगे, तो इसका टेक्सचर भी, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका टेक्सचर उस क्रीम से थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये क्रीम भी आपकी स्किन में सक करके अब्जॉर्ब हो जाती है एंड आपकी स्किन को इंस्टेंट फेयरनेस देती। ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोनों का टेक्सचर सेम है, दोनों ही क्रीम वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, नॉन स्टिकी नॉन ऑयली फार्मूला है, मैट लुक देती है। इसके साथ ही साथ यूज़ करना चाहते हो तो भी आपको, जब भी आप बाहर जा रहे हो, उसके आधे घंटे पहले पूरे चेहरे में अप्लाई करना है, डॉट डॉट करके अप्लाई करके फैला दें। उसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है थिन है, यानी पतला है, एंड इसका थोड़ा सा थिक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये बेस्ट है। वैसे नॉर्मल स्किन वाले इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 12 साल से कम एज वाले बच्चे इनको यूज़ ना करें। उसके अलावा मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आई होप आपको मेरा इन दोनों क्रीम्स का कंपैरिजन वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।